एंड वेलकम बैक टू बिंजिंग विद वृंदा। अगर आपके दिन की शुरुआत टेस्टी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट से हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आइए बनाइए हेल्दी मॉर्निंग विद बिंजिंग विद वृंदा। ये है उत्पम विद मोज़रेला स्प्रेड, जो खाने में बहुत ही यमी है और बनाने में सुपर ईजी है। तो चलिए इससे बनाने की शुरुआत करते हैं। उत्पम विद मोज़रेला स्प्रेड बनाने के लिए मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें मैंने ओट्स लिए हैं। एक कटोरी ओट्स लेने हैं आपको। ये आयरन में बहुत रिच होते हैं, इनमें फाइबर बहुत होता है, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, ये डायबिटिक लोगों के लिए बहुत हेल्दी होता है। मैंने पोहा लिया है, जिसको मैंने धोने के बाद यूज़ करना है, इसको फाइन थोड़ा पेस्ट बना लेना है। मैंने बेसन लिया है एक कटोरी, सूजी लेनी है एक कटोरी, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है, रोस्टेड क्यूमिन सीड्स पाउडर लिया है। अगर आपके पास क्यूमिन सीड पाउडर नहीं है तो आप क्यूमिन सीड्स को रोस्ट करके उसका फाइन पाउडर बना लेना। वेजिटेबल में मैंने फ्रेंच बीन्स लिए हैं, जिसको मैंने फाइनली चॉप किया है, कैप्सिकम लिया है, ग्रीन चिलीज लिए हैं, कैरेट लिया है जिसको फाइनली चॉप किया है मैंने यहाँ पर, टमाटो लिए हैं जिसको फाइनली चॉप करना है, अनियन लेना है और ये स्प्रिंग अनियंस मैंने लिए हुए हैं। कैबेज को मैंने बिल्कुल फाइनली जो है श्रेड करके यूज़ किया। अगर आप कैबेज नहीं खाते हैं खाने में तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि कैबेज ज़रूर यूज़ करिए। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन और विटामिंस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। बस ये होता है कि इसको धोना आपको बड़े अच्छे से चाहिए और धोने के बाद ही इसको काटना है आपको। यहाँ मैंने मोज़रेला स्प्रेड के लिए अपने घर पे बनाए हुए ये मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है। अगर आपके पास घर पे नहीं बना हुआ है तो आप बाज़ार से ले सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप घर पे बनाइए, बहुत अच्छा बनता है। इसको बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पेपर लिया है मैंने और कर्ड लिया है, जिसको मैंने चारों इंग्रेडिएंट को मिला के इसका थिक पेस्ट बनाना है, और इनो भी मैंने यूज़ करनी है एंड में। बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सूजी ले ली है, और बेसन को मैंने साथ में मिला लेना है। मैंने जो पोहा था उसको धो के जो है अच्छे से इसको मैंने पेस्ट बना लिया। देखिए पेस्ट ऐसा बनना चाहिए, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें अपना कर्ड भी डाल दूँगी, जो करीब मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है। आप अपने बैटर के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें क्यूमिन पाउडर डाल दिया, ब्लैक पेपर डाल दिया है, और सॉल्ट जो है मैंने करीब 2 टीस्पून के करीब डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मैश करेंगे। इस बैटर को मिक्स करने के लिए हमें थोड़ा जो है पानी भी इसमें डालते रहना है। हमें इसको ज़्यादा ढीला नहीं बनाना है, थोड़ा सा गाढ़ा ही होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। हमारे बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी होनी चाहिए, ना तो ये ज़्यादा गाढ़ा है ना ये पतला। अब हमें करीब 1/2 घंटे के लिए इसको कवर करके सूजी को फूलने तक के लिए हमें इसका वेट करना है, क्योंकि जो सूजी हमने इसमें डाली है वो फूलती है, उसकी टेंडेंसी होती है, इसलिए हमें इसको 1/2 घंटे के बाद ही बनाना है। इतना ही गाढ़ा होना चाहिए मिक्सचर। तब तक हम अपने वेजिटेबल्स प्रिपेयर कर लेते हैं। एक बाउल लेना है आपको, अपने सारे वेजिटेबल्स इसमें डाल देने एक एक करके, और इसको अच्छे से इसका जब बना देना है। हमारे वेजिटेबल्स का अच्छे से मिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इसको इस पर ड्रेसिंग करेंगे अपने उत्पम में, तो जो यूनिफॉर्मिटी में ये वेजिटेबल्स आने चाहिए, ठीक है, कोई वेजिटेबल कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। पर ये ध्यान रखिए कि आपने इसमें कोई भी सॉल्ट या कोई भी स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं करेंगे, वो हम ऊपर से ही इसको स्प्रिंकल करेंगे, क्योंकि अगर हम इस स्टेज पर सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे तो जो वेजिटेबल है वो पानी छोड़ देंगे और हमारा जो उत्पम है बहुत ज़्यादा मशी हो जाएगा, थोड़ा सा सॉगी सा हो जाएगा, इसलिए हमें ये नहीं करना है। हमारे वेजिटेबल थोड़े क्रंची हों इसलिए हमने इसमें सॉल्ट नहीं ऐड करना है। हमने मोज़रेला को भी ऐसे श्रेड करके रख ले देना। खाने से पहले इसमें मैं अपना जो है इनो लिया था मैं वो डालूंगी। इसमें मैंने जल्दी से जो है एक लेमन स्क्वीज़ कर लेना है, इससे जो हमारा बैटर है बहुत अच्छे से फूलता है, जो हमारा उत्पम है वो बहुत स्पॉन्जी बनता है। देखिए हम इसमें जल्दी से अपना लेमन डाल के इसको साथ ही मिक्स कर देंगे। देखिए हमारा बैटर कितने अच्छे से फूल गया है इसके साथ में ही मिलाने से। अब हमें
अपने गैस पे जो है तवा गरम करके रखने के, अगर आपके पास नॉनस्टिक तवा है तो बहुत अच्छा है, इसमें आपके लेस ऑयल यूज़ होगा बनाने में। लेकिन अगर नहीं है नॉनस्टिक तवा तो आप नॉर्मल तवे पे भी बना सकते हैं, बस उसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा लगेगा। हमने यहाँ पे तवा लिया है, इसको मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डालूँगी, उसको अच्छे से मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, अपने अच्छे से इसको ग्रीस करना है तवे को। अब जो हमारा बैटर है उसको मैं यहाँ पे डालूँगी, इसको मुझे अच्छे से फैला लेना है। शेप आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसी शेप का चाहते हैं, ज़्यादा बड़ा चाहते हैं तो ज़्यादा बड़ा बनाइए, छोटा चाहते हैं तो छोटा बनाइए। अगर ज़्यादा बड़ा चाहिए तो इसमें आप थोड़ा ज़्यादा बैटर भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे 2 कच के करीब बैटर डाला है, इसको मैंने अच्छे से फैला लेना है इसमें। अब इसके साथ ही मुझे इसमें अपने वेजिटेबल्स भी डाल देने हैं जो भी मैंने लिए थे, मैं इसमें धीरे धीरे डालूँगी। देखिए वेजिटेबल्स जो है साथ साथ में, तो आपको थोड़ा सा प्रेस भी करते रहना है वेजिटेबल्स को, क्योंकि हमें दोनों तरफ से पकाना है अपने उत्पम को, तो ये अच्छे से प्रेस होना चाहिए। मैंने अपना जो मसाला लिया था इसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट और जो क्यूमिन पाउडर है वो साथ में मैंने मिक्स कर लिया था, उसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लूँगी। ज़्यादा मत डालिए क्योंकि आपने बैटर में भी जो है सॉल्ट डाला है। पलटे से वेजिटेबल्स को थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करना है, लाइट से आपको प्रेस करना है। अब मैं इसको थोड़ा कवर करके पकाऊंगी स्लो आंच पे, मीडियम आंच तक, ज़्यादा स्लो भी नहीं करिए, मीडियम आंच पे आपको इसको पकाना है। हमारा उत्तम क्रिस्पी भी बनना चाहिए। बीच में आप थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी इसमें डालते जाइए ताकि जो हमारा उत्तम है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने। अगर आप कम ऑयल पसंद करना चाहते तो आप करते हैं, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ये नॉनस्टिक पैन में कम ऑयल में भी बन जाएगा बहुत अच्छा। बस इसको कवर कर लें। अपने उत्तम को आपको बीच में चेक भी करते रहना है, ये बेस के साथ स्टिक नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा अपने पलटे के साथ देखिए कितने अच्छे से निकल रहा है। इसको हमने ऐसे ही रहने देना है। अब मुझे इसको पलट के भी कुक करना है। देखिए कितने अच्छे से वो जो है क्रिस्पी हो गया है हमारा। अब इसको हमें फिर से थोड़ा 2 मिनट के लिए पकाना है। थोड़ा इसमें ऑयल डालूँगी मैं यहाँ पर। हमारा उत्तम बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनने वाला है। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे फिर से। अब इसे मैं पलट लूँगी। देखिए कितने अच्छे से कुक हुआ। अब इस पर मैंने मोज़रेला स्प्रेड करना है, इस पर मोज़रेला अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा नमक डालने की ज़रूरत है तो आप वो डाल सकते हैं। सॉल्ट डाल लीजिए, अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें यहाँ पे ओरिगैनो भी, ओरिगैनो फ्लिक्स डाल सकते हैं, इसमें आप लाल मिर्च डाल सकते हैं। अब इसको हमने कवर करके करीब 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि जो हमारा चीज़ है वो अच्छे से पिघल जाए। देखिए ये अच्छे से अब रेडी हो चुका है, अब ये परोसने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। ऐसे हम अपने और उत्तम बना लेंगे ऑयल डाल के। उत्तम विद मोज़रेला स्प्रेड बनके तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, ये जितना अमेजिंग दिखने में है उतना खाने में भी है। ये इतना डिलीशियस है कि आप एक बार बनाएंगे और उसको बार बार बनाने का मन करेगा। तो प्लीज़ ये एक बार ट्राई ज़रूर करिए और अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।